हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं होंडा सी वी 350 RS। बहुत दिन से इस मोटरसाइकिल का रिव्यू ड्यू था, तो आज अपन फाइनली इसका रिव्यू करने वाले। टुडे वी विल सी यहां पे आपको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं व्हेन आई कंपेयर इट टू हाइनेस, एंड ऑल्सो शुड यू बाय इट और नॉट। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू साहिल होंडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वॉक राउंड से। सबसे पहले मैं आपको होंडा सी वी 350 RS का प्राइस बता देता हूं। सो इसमें अपने पास दो वेरिएंट्स हैं। फर्स्ट इज सिंगल टोन, द वन यू आर सीइंग राइट नाउ, एंड वी ऑल्सो हैव अ डुअल टोन जिसमें आपको डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिलते हैं। सो स्टार्ट होती है फ्रॉम 2,01,200 रुपीज एक्स शोरूम फॉर द सिंगल टोन, एंड फॉर द डुअल टोन यू विल हैव टू पे 2,01,800 रुपीज। सो दोज आर द प्राइसेस। अब सबसे पहले व्हेन आई कंपेयर इट टू हाइनेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक स्पोर्टियर लुक मिलता है। द बाइक लुक्स मोर स्पोर्टी, मोर सोफिस्टिकेटेड। उसी के साथ साथ व्हेन आई कंपेयर इट टू हाइनेस, यहाँ पे आपको क्रोम, जो क्रोम होता है ना, वो यहाँ पे कम है, बिकॉज यहाँ पे ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट ज़्यादा है टू गिव इट दैट स्पोर्टीनेस। सो वो एक चीज़ है। आप सामने से स्टार्ट करते हैं। सो अपने पास ऑल LED एवरीथिंग, मतलब इंडिकेटर्स LED हैं, आपकी हेडलाइट LED है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ये ब्लैक्ड आउट फिनिश मिलती है, एक तरीके का हेडलाइट कवर मिलता है जो कि अपन को हाइनेस में नहीं मिलता है। अलॉन्ग विद दैट द इंडिकेटर्स आर स्लीक हियर। सो यहाँ पे आपको स्लीक LED इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। गेटा कवर्स, सो दिस एड्स टू दैट रगेड एंड स्पोर्टी फील, सो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ वी हैव डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क, सो आपको आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं विद डुअल चैनल ABS, सो दैट्स अ गुड सेफ्टी टेक। जो आपके अलॉयज हैं इनको भी देखिए, ये वाई शेप्ड अलॉयज हैं, सो आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपको ये वाई शेप यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड सामने की तरफ आपको 19 इंच का व्हील मिलता है, पीछे की तरफ आपको 17 इंच का व्हील मिलता है, बट द टायर प्रोफाइल इज वेरी बिग ऑन द रियर साइड व्हेन आई कंपेयर इट टू हाइनेस, मैं आपको दिखाता हूँ। उसी के साथ साथ इंजन के बारे में बात की जाए, सो इंजन आपको सेम हाइनेस जैसा मिलता है। दिस वन प्रोड्यूसेस 21.07 PS एंड 30 Nm का टॉर्क। इट्स BS6 कंप्लायंट, फ्यूल इंजेक्टेड। सो अभी इसके पावर के बारे में अपन बात करेंगे। ऑल्सो दिस कम्स विद अ बैलेंसर शाफ्ट, सो अभी अपन रिफाइनमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि कैसी रिफाइनमेंट है। ऑल्सो ऑन द RS वी हैव अ बैश प्लेट हियर, सो इफ यू वांट टू टेक इट ऑन रोड्स लाइक दिस, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग विल हिट योर इंजन। यहाँ पे बस थोड़ा सा क्रोम यूज़ किया गया है, यहाँ पे और यहाँ पे, सो दैट्स द ओनली क्रोम। कमिंग टूवर्ड्स द टैंक, सो आपको 15 लीटर्स कैपेसिटी का टैंक मिलता है। यहाँ पे अपने पास होंडा का लोगो है, CB350 RS। कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो इसमें आपको स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, क्लॉक, बैटरी वोल्टेज, ओडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऑल्सो यहाँ पे अपने पास हैजर्ड लाइट का बटन है, सो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो ऑन दिस मोटरसाइकिल आपको होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल मिलता है। व्हाट इज़ दैट? इट्स लाइक अ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, सो वो हमेशा आपके रियर व्हील को चेक करता रहता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं जा रहा है, सो दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग बेटर ट्रैक्शन, सो दैट्स ऑल्सो गुड। एंड सीट की तरफ आएँ, सीट इज़ वेरी डिफरेंट व्हेन आई कंपेयर इट टू हाइनेस। सो इसमें आपको दो दो फिनिशेस मिलते हैं, दिस इज़ लाइक एल्कंटारा और यहाँ पे लेदर फिनिश है, सो इट्स वेरी डिफरेंट। एंड ऑल्सो द रियर ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज वे शॉर्टर व्हेन आई कंपेयर इट टू हाइनेस, सो इट्स लाइक वेरी स्लिम, वेरी टाइडी एंड इट्स शॉर्टर, सो दैट रियली एक्सपोजेज द रियर व्हील बिकॉज यू हैव अ वाइडर रियर व्हील हियर, सो उसको एकदम एक्सपोज करता है एंड ब्रिंग्स इन दैट स्पोर्टीनेस, सो दैट्स देयर। आपको 150 सेक्शन का रियर टायर मिलता है विच इज़ रियली वाइड। एंड यहाँ पे देखिए एक चीज़, द सीट रैली कम्बाइंस विद द LED टेल लाइट, सो वो भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अपने पास ग्रैब रेल्स हैं, LED इंडिकेटर्स एज़ आई जस्ट टोल्ड यू, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आपको मिलता है, सो वो भी एक अच्छी चीज़ है। स्लिपर क्लच, 5-speed गेयरबॉक्स। अब एग्जॉस्ट नोट सुनने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, CB350 RS इज 2 kg लाइटर when I compare it to हाइनेस, so ये 2 kg हल्की है, so these are the changes। अब एक काम करते हैं, इसका exhaust note सुन लेते हैं, then we'll ride it।
सो लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से राइट फ्रॉम द स्टार्ट। इनिशियल पिकअप इज रियली गुड, यू रियली फील दैट टॉर्क। मिड रेंज हैज अ लॉट ऑफ टॉर्क, सो मिड रेंज में लाइक यू जस्ट नीड टू ओपन द थ्रॉटल एंड दिस मोटरसाइकिल गोज। सो मिड रेंज में आपको बहुत अच्छा टॉर्क मिलता है। टॉप एंड में यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ पुलिंग पावर, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ टॉर्क इन द टॉप एंड, बट द इंजन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट यू इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द इंजन टूवर्ड्स द रेड लाइन। इट लव्स टू रेव, रेविंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, एंड यू कैन कीप दिस इंजन पिंड एट द रेड लाइन ऑल द टाइम। इट वोंट आस्क यू टू क्लोज द थ्रॉटल और चेंज अ गियर, नो। एंड दैट इज वॉट आई लव हियर, द पावर डिलीवरी इज सो डैम रिफाइंड एंड स्मूद कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट till the red line you never feel like as if you are pushing the engine too much or you are demanding too much from the motorcycle. No, it's very smooth, very refined, and you can really enjoy the power delivery. Like if you want to ride this motorcycle slow, you can do that. If you want to ride this motorcycle fast and keep it pinned at the red line, you can do that too. So there's no restriction, there's no obligation as such. You can just ride the way you want to. So वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. Also in terms of refinement, just see this. Nothing. So counterbalancer is working like a charm. कोई भी vibration नहीं है इस motorcycle में. And mid range में तो यार, you have so much torque. As I just showed you, first gear this motorcycle goes till 45. Second gear it goes till 80. The gearing is very tall on this motorcycle, jiski wajah se you can really use that torque. You can really use it. So matlab you don't need to change the gear again and again. You can just open the throttle, and because of the torquey nature, you can just enjoy the power delivery, you can enjoy the torque surge. So wo bahut badhiya cheez hai. Ab baat karte hain is gaadi ke gearbox ke bare mein. So sabse pehle we have slipper clutch. Now we all know because of slipper clutch you can aggressively downshift. वो है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बिकॉज ऑफ स्लिपर क्लच इफ यू वांट टू राइड दिस मोटरसाइकिल इन सिटी एंड ट्रैफिक यू कैन डू दैट वेरी इजीली। सो इतने आराम से देखिए, आपको ना एक उंगली से भी कर सकते हो, इतना लाइट क्लच है, जिसकी वजह से इफ यू आर राइडिंग दिस मोटरसाइकिल इन सिटी एंड ट्रैफिक आपको बिल्कुल भी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। सो आपके फिंगर्स में कभी पेन नहीं होगा। सो द क्लच इज वेरी लाइट, एंड इफ यू वांट टू डाउन शिफ्ट You can do it very effortlessly. Gearbox के बारे में बात की जाए तो आपको 5-speed gearbox मिलता है। It's a very smooth gearbox. एक बार में gear लगते हैं, कोई restriction नहीं है, मतलब multiple downshift, upshift, nothing. एक बार में gear लगेंगे, आपको जो करना है करिए। देखिए fourth gear में, second gear. So it's a very smooth gearbox. बहुत कम effort में आप gear change कर सकते हैं। So वो बहुत अच्छी चीज़ है। Also यहाँ पे आपको eco indicator मिलता है। सो अगर आप आराम से चला रहे हो मोटरसाइकिल को, यू आर गेटिंग गुड माइलेज, तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा विद द इको इंडिकेटर। अब बात करते हैं इस गाड़ी की सिटिंग पोजीशन के बारे में। तो सिटिंग पोजीशन इज फ्लेक्सिबल। व्हाई आई एम सेइंग फ्लेक्सिबल, बिकॉज देखिए द हैंडल बार इज नाइस एंड वाइड। इफ़ यू वांट टू सिट स्ट्रेट यू कैन डू दैट। अभी जैसे मैं एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ, बट इफ आई वॉन्ट अ स्पोर्टियर सिटिंग पोजीशन आई कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड गेट दैट स्पोर्टी सिटिंग पोजिशन। सो आपको वो फ्लेक्सीबिलिटी मिलती है, बट या इट्स मोर टूवर्ड्स कम्फर्ट एंड बहुत ही कम्फर्टेबल सिटिंग पोजिशन है। हैंडल बार इज नाइस एंड वाइड, सो आपको अच्छा खासा लेवरेज मिलता है। द सीट इज रियली कम्फर्टेबल। फुट पैग्स भी हल्के से रियर सेट हैं टू गिव यू दैट हिंट ऑफ स्पोर्टीनेस, बट इट्स नेवर अनकम्फर्टेबल। सो सिटिंग पोजिशन इज वेरी कम्फर्टेबल, नो इशूज इन टर्म्स ऑफ कम्फर्ट ऑन दिस मोटरसाइकिल। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन इज सेट टूवर्ड्स कम्फर्ट। 60% ऑफ द ट्रैवल इज ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से इफ़ आई टेक दिस मोटरसाइकिल ऑन अ ब्रोकन पैच, द 60% द इनिशियल 60% विल टेक केयर ऑफ द बम्स, इट विल टेक केयर ऑफ द पॉट होल्स, इट विल गिव मी कम्फर्ट, इट वोंट लेट द मोटरसाइकिल बाउंस। सो 60% इज सेट टूवर्ड्स कम्फर्ट, बट आफ्टर दैट द 40% इज सेट टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। सो वहाँ पे फिर आपको वो स्टिफनेस फील होती है। सो
सो या इफ यू आर राइडिंग स्लो एंड इफ यू वांट कंफर्ट, तो आपको वो 60% से बहुत अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है. एंड द रेस्ट 40% इफ यू आर ऑन द हाईवे, इफ यू आर टेकिंग दिस मोटरसाइकिल एट 100-120, द रेस्ट 40% विल गिव यू दैट स्टेबिलिटी, विल गिव यू दैट अश्योरेंस टू कैरी ट्रिपल डिजिट स्पीड्स. सो वो आपको यहाँ पे मिलता है. सो या द सस्पेंशन सेटअप इज रियली गुड, कंफर्टेबल भी है, स्टेबिलिटी भी देता है. लाइक इफ यू आर पुशिंग दिस मोटरसाइकिल अराउंड अ कॉर्नर, यू वोंट फील एनी वॉबलीनेस, यू वोंट फील एज इफ द मोटरसाइकिल इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. सो इट्स गुड, सस्पेंशन इज रियली गुड, वेरी सॉर्टेड. अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में. सो वी कैन चेक इट हियर. सो राइट नाउ द रियल टाइम इज 54.748. सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ आई राइड, बट इफ आई टेल यू एन एग्जैक्ट फिगर, यू कैन ईजिली गेट अराउंड 35 किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल. सो उतना माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा. एंड इफ यू राइड वेरी फास्ट तो थोड़ा कम हो सकता है, और आराम से चलाओगे तो 40 किलोमीटर्स पर लीटर भी मिल सकता है. सो दोज आर द माइलेज फिगर्स. डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू राइड दिस मोटरसाइकिल, यू विल गेट द माइलेज. ऑल्सो अराउंड कॉर्नर्स आई लव पुशिंग दिस मोटरसाइकिल. येस इनिशियली आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है टू मेक दिस मोटरसाइकिल लीन, बट वंस इट्स लीन्ड यू लाइक एन्जॉय हाउ इट मेंटेन्स द लाइन एंड द ग्रिप फ्रॉम द टायर्स. सो या वहाँ पर आपको मज़ा भी आता है, बस इनिशियली यू हैव टू पुश इट अ बिट. तो वो एक चीज़ है. ऑल्सो द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज जस्ट 179 kgs. वाई एम सेइंग जस्ट, बिकॉज यू डोंट रियली फील द वेट. मतलब अगर मैं यहीं पे रॉयल एनफील्ड के बारे में बात करूँ, रॉयल एनफील्ड में आपको वेट फील होता है राइट फ्रॉम द स्टार्ट. जैसे ही आप मोटरसाइकिल को उठाते हो, आपको वहीं से समझ में आ जाता है येस दिस इज़ अ हैवी मोटरसाइकिल. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है यार, मतलब दिस मोटरसाइकिल फील्स सो फ्लिकेबल, सो एजाइल, लाइक यू कैन टर्न इट एंड मनूवर इट वेरी एफर्टलेसली. यू नेवर फील द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल. सो वो मेरे को बहुत सही लगा कि इवन दो इट्स 179 kgs, बट यू डोंट रियली फील द वेट. येस यू डोंट रियली फील द वेट. सो दैट्स रियली गुड. लाइक अगर कोई इसको सिटी के हिसाब से देख रहा है या फिर ट्रैफिक के हिसाब से देख रहा है, यू कैन ईजिली मनूवर दिस मोटरसाइकिल इन सिटी एंड ट्रैफिक विदाउट एनी इशू बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल नेचर. तो वो बहुत सही है. अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में. सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS. लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट. रियर इज ओके, लाइक द बाइट कुड हैव बीन बेटर, बट द स्टॉपिंग पावर इज गुड. फीडबैक भी थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट द रियर इज ओके. अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट ब्रेक के बारे में. फ्रंट इज गुड मैन, फ्रंट इज गुड. लाइक द बाइट इज गुड, द फीडबैक इज गुड, द स्टॉपिंग पावर इज गुड. सो फ्रंट ब्रेक इज अ गुड वन. एंड ऑल्सो ABS ने पीछे बस इंट्रूड किया था, आगे ज़्यादा इंट्रूड नहीं किया उसने. सो द ब्रेक्स आर गुड ऑन दिस मोटरसाइकिल. एंड अब बात करते हैं एक चीज़ के बारे में, द बिग बाइक फील. बिकॉज वेन एवर यू बाइंग अ क्रूजर, यू वॉन्ट दैट बिग बाइक फील. सो आप देख सकते हो यहाँ पे टैंक टैंक. यू रियली फील लाइक एज इफ यू आर राइडिंग अ वेरी बिग मोटरसाइकिल. यू हैव दिस बिग बाइक फील हियर. सो उसकी आपको बिल्कुल भी कमी फील नहीं होने वाली है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट होंडा सेलेक्टेबल टॉक कंट्रोल. वो क्या है, लेट्स से इफ यू आर गोइंग अप हिल और रास्ते में कीचड़ है, बर्फ है या फिर मिट्टी है, वहाँ पे रियर व्हील का ट्रैक्शन मेंटेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज जैसे ही आप पावर देते हो, रियर व्हील स्पिन करने लगता है, तो आप अपहिल कैसे जाओगे. वहाँ पे होंडा सेलेक्टेबल टॉक कंट्रोल बहुत काम आता है, बिकॉज वहाँ पे ना आपको ट्रैक्शन मेंटेन नहीं करना है, द होंडा सेलेक्टेबल टॉक कंट्रोल विल डू इट. यू जस्ट नीड टू गिव द थ्रॉटल एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी डन बाय होंडा सेलेक्टेबल टॉक कंट्रोल. सो वहाँ पे ना आपको ट्रैक्शन मेंटेन करने की कोई दिक्कत नहीं है, रियर व्हील स्पिन होने की कोई दिक्कत नहीं है. सो ऐसी सिचुएशंस में ना ये बहुत काम की चीज है. सो अब बात करते हैं शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट. सो बिफोर वी इवन टॉक अबाउट व्हाट इज गुड हियर, व्हाट इज बैड हियर, लेट मी टेल यू समथिंग. बहुत कम ऐसी मोटरसाइकिल्स होती है जिनको स्लो चला के भी मजा आता है और फास्ट चला के भी मजा आता है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड को जब आप स्लो चलाते हो आपको अच्छा लगता है, बिकॉज हायर RPMs में इट डज नॉट फील रियली कंफर्टेबल.
अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करूँ KTM के बारे में, सो KTM हायर RPMs में खुशी देती है, बट लोअर RPMs में, इनिशियल RPMs में इट्स नॉट रियली गुड। बट ये वाली जो मोटरसाइकिल है ना, आपको यहाँ पे स्लो चला के भी मज़ा आने वाला है, फास्ट चला के भी मज़ा आने वाला है, बिकॉज द पावर डिलीवरी थ्रू आउट द रेव रेंज इज़ वेरी स्मूथ, वेरी रिफाइंड। इवन इफ आई टेक दिस मोटरसाइकिल टू द रेड लाइन, आई डोंट फील लाइक एज इफ आई विल ब्रेक द इंजन, या फिर रिफाइनमेंट की कमी है, या फिर द मोटरसाइकिल इज टेलिंग मी टू स्लो डाउन। नो, इट्स डैम कंफर्टेबल, इट्स डैम रिफाइंड, एंड दैट इज वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम होंडा। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी प्रैक्टिकल कंफर्टेबल क्रूजर मोटरसाइकिल विद अ बिट ऑफ स्पोर्टीनेस, देन दिस इज द ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज यू गेट कंफर्ट हियर, यू गेट दैट स्पोर्टीनेस, यू गेट दिस ऑसम लुक। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। देखिए मैं पता एक चीज़ बताता हूँ आपको, रिसेंटली SD की रोडस्टर आई है, ठीक है, इट्स अ गुड मोटरसाइकिल, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें ना रह जाती हैं जो कि होंडा के साथ नहीं होता। लाइक मैं आपको बताता हूँ, रोडस्टर का क्लच इज वेरी हैवी, सो इवन इफ आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ मोटरसाइकिल, आई कैन नॉट यूज दैट क्लच एवरी डे, आई वॉन्ट बी एबल टू यूज इट। बट यहाँ पे everything works the way it should work, the clutch, the engine, the parts, the quality, यहाँ पे आपको paint chipping नहीं होगी, आपको बार बार service center नहीं जाना है जो कि Royal Enfield के साथ जाना पड़ता है। So those are the advantages here. Also if I compare this motorcycle in terms of specs, ये motorcycle 12 kilo हल्की है when I compare it to Meteor 350. It produces more torque when I compare it to Meteor 350 or Classic 350. वो 27 Nm का torque develop करते हैं, ये 30 Nm. So this is a torqueier motorcycle, and along with that, in terms of technology also, यहाँ पे आपको ज़्यादा tech मिलता है, like LED headlight, Honda selectable traction control. So yeah, if you want a sorted product and a product जिसको आपको बार बार service center ना लेके जाना पड़े, then this is the option for you. So yeah, thanks for watching guys, hope you like this video, usko like kar dena, subscribe karna, bell icon daba dena, and comment down below aapko video kaisa laga, and see you on next video, bye.